अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किंजास किचन। आज हम आप लोग के साथ अरवी मटन करी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। रेसिपी हमने बहुत ही इजी स्टेप्स में बताई है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं हम अरवी मटन करी। चलिए अरवी मटन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 2-3 चम्मच तेल लिया है, एक तेज़पत्ता डाला है, एक बादियान का फूल आधा डाला है। इन दोनों को थोड़ा गर्म होने दीजिए, फिर मटन डालिए, धोकर अच्छे साफ कर डालिए, फिर इसको कलर चेंज होने तक, वाइट होने तक भुनिए, उसमें तेल में फ्राई करिए बस, ऐसा हाँ ऐसा मिलाते जाइए। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अभी इसमें नमक डालिए 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी डालिए, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालिए, ये तीनों, और 1 चम्मच अदरक लहसुन डालिए। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इसमें 1/2 कप पानी डालकर इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इसको ज़्यादा भी मत गलाइए, इसको लो फ्लेम पर रख कर ही गलाइए। अच्छी तरीके से गल भी जाता है और अच्छा टेस्ट भी अच्छा आता है। सब मसाले वो सब अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए 2 बड़ी प्याज लेकर हमने रफली काट कर उसको डाल दिया है। आप वैसा भी 2-3 पीस कर भी डाल सकते हैं, ऐसा भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने उसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। ये दोनों को मिलाकर बंद कर 2-3 सीटी होने तक रख दीजिए। ये देखिए हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और अच्छा भी लगता है। आप भी ज़रूर डालिए। और प्याज को आप मोटे मोटे 2-3 हिस्सों में भी काट कर डाल सकते हैं, इतनी बारीक नहीं भी काटे तो चलेगा। फिर इसको 2-3 सीटी आने के लिए लगा दीजिए। फिर हमने अरवी छील कर साफ करके रख लिया था, उसको फ्राई कर लेंगे। ये जब तक 2-3 सीटी होती है, जब तक अरवी को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। ये देखिए अरवी को ना अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। जब बाजार से लाते हैं ना, उन अरवी उस पर बहुत मट्टी लगी रहती है, उसको पहले पानी में भिगाकर अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। ये देखिए अरवी फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमारा गोश्त, ये मटन तैयार हो चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच मैंने कैरी पीस कर डाला है, अगर आप डालना चाहते हैं तो दही भी डालते हैं, मगर इससे बहुत टेस्ट आता है ये ऐसा बनाकर। देखिए हमारा 1 कैरी का पेस्ट इतना बना था, 2-3 चम्मच बना था। आप भी एक छोटी सी कैरी लेकर डालिए इतने में, तो बस हो जाती है। ये देखिए ये फ्राई करी हुई अरवी डालकर अब इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। उसमें कोथमीर डालेंगे और थोड़ी सी देर मिक्स करके उसको थोड़ा सा पानी, 1/2 कप पानी डालकर एकदम सिम पे लीड लगा कर रख देंगे। देखिए हमने उसमें थोड़ी अरवी गलने के लिए 1/2 कप पानी डाला है। उसको अच्छी तरीके से हिलाकर 1 सीटी एकदम थोड़ी सी आवाज़ आने तक ही रखिए, और फिर बंद कर कुकर को खोलिए मत, वैसे ही रहने दीजिए। ये देखिए हमारा अरवी मटन तैयार हो चुका है। हमने इसको कोथमीर से गार्निश किया है। ये देखिए इस तरीके से बन गया है। तो कैसी लगी आप लोग को हमारी रेसिपी, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए ये भी बताइए। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट